एमएलए पर हमलावर ने चलाई 4 गोलियां। एमएलए पर हमलावर ने चलाई 4 गोलियां। सीसीटीवी में कैद एमएलए का हमलावर। आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली में हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। सीसीटीवी की इस तस्वीर को देखिए, कैसे हेलमेट पहने ये हमलावर शाहदरा इलाके से बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर गोलियां दाग रहा है। विधायक गोलियों से बचने के लिए घर के अंदर भागने की कोशिश करने लगे, दरवाजा खोलने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इस बीच हमलावर लगातार विधायक जितेंद्र सिंह पर गोलियां चलाता रहा और वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन खुशकिस्मती से बीजेपी विधायक को गोली नहीं लगी। जैसे मैं दरवाजे से वापस घूमने लगा, उन्होंने मेरे को गरेबान से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से रिवाल्वर निकालने की कोशिश करने लगे। तो मैंने रिवाल्वर जब देख ली, मैंने सोचा तो उन्होंने मुझे खींचते खींचते बोलना शुरू कर दिया कि बोलियो मत, तो बोलियो मत, और मुझे 10-15 फुट तक घसीट के ले गए। तो उन्होंने जैसे मुझे गोली मारी, मैं थोड़ा पीछे हो गया, गोली दरवाजे में लगी, फिर मैं दूसरे दरवाजे पे गया, उन्होंने फिर गोली मारी, तो मैं गली की दूसरी तरफ भाग लिया जिग जॉग करता हुआ। 3 या 4 फायर उन्होंने किए। जितेंद्र के मुताबिक वारदात सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास की है, जब इनके घर की घंटी बजी। ये बाहर निकले तो हेलमेट पहने इस शख्स ने कुछ पेपर इन्हें अटेस्ट करने के लिए दिए। इसी बीच उसने तमंचा निकालकर विधायक पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने के बाद जितेंद्र सिंह घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन इंटरलॉक होने की वजह से दरवाजा अपने आप अंदर से लॉक हो चुका था, लिहाजा दरवाजा नहीं खुला। जब गोलियों की आवाज आई, तब अंदर से विधायक का बेटा बदहवास हालत में भागता हुआ बाहर आया, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने में 2 हमलावर शामिल थे। हालांकि विधायक ने पुलिस से शिकायत कर दी है, लेकिन उन्होंने किसी पर शक जाहिर नहीं किया है। लेकिन एक बात पक्की है कि हमलावरों को पहले से पता था कि विधायक के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और इसी वजह से शायद बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था ताकि पहचान सामने ना आ पाए। यानी अगर हमलावर सीसीटीवी के बारे में जानते थे तो इसका मतलब है कि वो पहले भी देखी करके गए होंगे। अब दिल्ली पुलिस को पता लगाना है कि विधायक पर जानलेवा हमला करने वाले लोग कौन हैं।